हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेवी डबल SSR और MR के एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास डाउट आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, नेवी डबल का एग्ज़ाम कब होगा, SSR का कब होगा, MR का कब होगा, हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने दिन बाकी हैं, आखिर ऐसा क्या है, कब ने एडमिट कार्ड आएंगे। तो सभी कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर आपके दूर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती हैं नेवी डबल SSR MR सभी से की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस, यहां पर आपको डेली मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी किए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके नेवी के ऑफिशियल, आपको क्या बताया गया था, ऑफिशियल आपको ये बताया गया था कि आपके फरवरी माह के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो हेल्ड होगा। कब होगा? फरवरी माह के अंदर आपका एग्ज़ाम हेल्ड होगा और आपके जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन आज तारीख हो गई है 27 और एडमिट कार्ड रिलेटेड नेवी की साइट पर कोई भी सूचना नहीं है। कई जगह ऐसा फेक डेट वगैरह जो भी कुछ दी जा रही है, तो ऐसा कोई भी वो नहीं है। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो ऑफिशियल साइट पर आएगा और हम आपको बता देंगे। ठीक है, सभी अपनी अपनी एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं, तो उस एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। लेकिन कुछ लोग आपको ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ही ये है और ऑफिशियल अपडेट आ गया है, तो ऑफिशियल तो अभी नहीं आया है, लेकिन सभी अपने अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट है जो बता रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम भी आपके लिए एक्सपेक्टेड डेट है जो बताएंगे और कब तक आपके एडमिट कार्ड आने चाहिए, कब तक आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, कभी भी आपके एडमिट कार्ड आए, जो आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 15 भी क्या, कम से कम आप मान लीजिए एडमिट कार्ड है जो आपके जारी किए जाएंगे 10 से 12 दिन पहले। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एडमिट कार्ड आएंगे मैं तभी प्रिपरेशन करूंगा। एडमिट कार्ड आने के तुरंत बाद आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उस टाइम तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे? प्रैक्टिस सेट, और आपको देखना होगा कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है और मैं एग्ज़ाम के अंदर कितना स्कोर कर सकता हूँ। तो इसलिए आप सभी अपनी प्रिपरेशन है जो कंटिन्यू रखें। अब हमारे अनुसार नेवी ने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें बोला था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हम आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो देखिए, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10 से 12 दिन पहले ही आएगा, तो आपके जो एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं वो हैं फरवरी के अंतिम सप्ताह में। यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में मैं बात करूं तो 20 तारीख के बाद बाद 20 तारीख के बाद बाद यदि आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो अभी इस सप्ताह में नहीं जारी होंगे। यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह, फरवरी के प्रथम सप्ताह होगा, फर्स्ट सप्ताह, उसमें चांसेस हैं एडमिट कार्ड आने के। ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, जबकि मैं अपडेट आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड डेट। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी नेवी का जो एडमिट कार्ड आए थे वो 10 से 12 दिन पहले ही आए थे, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, 10 से 12 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम आपको उसके लिए आप तक उसको शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आप ऐसा मान लीजिए आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो 20 तारीख है, 20 तारीख को आपको टारगेट बनाकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपके पास ओनली और ओनली 25 डेज है, 25 डेज के अंदर आप कितना स्कोर करते हैं, कितना आप पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते हैं, वो आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब तक आपने कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, तो इस टाइम आपको बिल्कुल वो पढ़नी है, सेलेक्टेड चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। तो नेवी MR के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, SSR और AA के लिए एक वीडियो और बना दूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या टॉपिक पढ़ने होंगे, क्या नहीं पढ़ने होंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।